हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी शूद्रा। शूद्रा एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की है, उसकी जिंदगी पर लिखी गई स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। शेर दो शेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई नहीं था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से ये चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इनका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयसर नहीं होता। ये स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे ये संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे के गोड़ दोस्त किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांत को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गोरा युवती थी, सुंदर थी, पर उसे किसी ने कुएं पर खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही ना थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती सावित्री तो नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी, उधर युवती के मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी, कली खिल के फूल हो रही। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था, नौकरी की खोज में कल करता जा रहा था। रात हो गई, किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था, गोरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में बस गई, सगाई करने पर राजी हो गया, लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया, गांव के बाजार से कपड़े उधार लिए, 2-4 भाई बंधु के साथ सगाई करने आ पहुँचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर ना कर सकती थी, परंतु 10-5 दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जात वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मगरू पछताता था कि कितना हक यहाँ फंसा, पर गोरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। एक महीने के बाद मगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहन भाई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मगरू को कुछ संदेह हुआ, बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मगरू, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं बैठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मगरू चौके पर से उठ गया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर गोरा को छोड़कर कहीं चला गया। गोरा नींद में मग्न थी, उसे क्या खबर थी कि वो रत्न जो मैंने इतनी तपस्या से पाया था, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया।
पर गोरा बहुत प्रसन्न थी। वो मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अंधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वो अकेली बैठी रहती थी, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वो वस्तु ना थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती, गोरा का पति कहाँ था, वो किसकी बातें करती। अब उसका भी पति था, अब वो अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वो भी मंगरू की चर्चा करती, मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्त ही ना होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गोरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रह सकता है? देश परदेश से निकलकर चार पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री की नहीं भेजते, तो हंस कर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना, गोरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन ही ना रहा जाए। वो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते, बेचारे कहाँ प्रदेश में घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गोरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वो मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी, मुझसे कह कर जाने पाते मैं उनके पैरों में लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा, पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वो मगरू के पड़ोस में रहता है। मगरू ने उससे गोरा को अपने साथ लाने को कहा था, दो साड़ियां और ये खर्च के लिए रुपये भी भेजे थे। गोरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वो गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई, सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ के मर जाती। रास्ते भर गोरा सोचती, ना जाने वो कैसे हो गए होंगे, अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी, परदेश में आदमी सुख से रहता है, दे भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे, मैं पहले दो तीन दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आँखों से न देख कर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ, हूँ तो तुम्हारी, तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए, फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्की क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागी? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मार कर बुलाया कि नहीं, कैसे ना बुलाते, मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप दौड़े आते, तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। वो धरती बार बार उद्दिंग होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी बातें वो पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश ना पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी, उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं, जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा, मैं नौकर को भगा दूंगी, मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी।
बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं, बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपये भेजूंगी, जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सब के लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी, तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गोरा ने सारा रास्ता काट लिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और, करता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गोरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वो यही कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता, मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम किस गाड़ी से आ रहे हैं, उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गोरा कभी टांगे पर सवार ना हुई थी, उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं टांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले लगे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय आनंद और आशा से उसे अपनी सुध ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा, रुपये को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते न आ रहे हों, सीढ़ी पर भेंट न हो जाए तो मैं क्या करूँगी, भगवान करे वो पड़े सोते रहे हों, तब मैं जाऊँगी और वो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गोरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी, एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे, यही उनकी कोठरी थी। तो मकान किसी और का है, उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली है, मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे, यही उनके सोने का खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था, गोरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था, घड़े से पानी निकाल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था, गोरा रास्ते की थकी थी पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में से आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त ना हुआ था, मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी, सांझ को सब जगह छुट्टी होती है, अब वो आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा, वो क्या अपने साहब से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ना ले सकते थे, कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया, कोठरी में दीपक ना था। गोरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गोरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गोरा ने समझा मंगरू हैं, झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण बोली, वो कहाँ रह गए। बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई, दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वो अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए।
उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना, अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे लोग, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गोरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुँचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम ना लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी, कभी ना कभी वो अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे, देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक खाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला, उस समय गौरा का हृदय एक अच्छे भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई, कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गोरा का उनसे बात करने की इच्छा ना होती थी। लेकिन एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गोरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं, बोली, कहाँ जाऊंगी बहन, कहाँ जा रही हूँ, जहाँ भाग ले जाएगा वहीं जा रही हूँ, तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ, जहाँ ये जहाज रुकेगा वो वहीं नौकरी करते हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती, आने में देर हो गई, क्या जानती थी कि वो इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया, तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वो आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला कलकल बूढ़ा, जिसकी एक आँख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ 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 वही, क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया, ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नरक भोगें, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत तो सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा, क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि उसके कारण मैं ना घर की रह गई ना घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिचिर के देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गोरा के प्राण नाहों में समा गए, मालूम हुआ जहाज यथा जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्चिल में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वो फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का ये दंड दिया है? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्चिल भेजते हैं? स्त्री, रुपये के लोभ से और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सबको कुछ रुपये मिलते हैं। गोरा, मजूरी? गोरा सोचने लगी, अब क्या करूं? ये आशा नौका जिस पर बैठी हूं वो चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वो जलमग्न हो गया, अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती
और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी, मानो कोई सर्प अंतल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पीसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो, करुणा स्वर में बोली। तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, ये तो वहाँ पहुँच कर मालूम होगा। अगर मजदूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने दूरदृष्ट से देखा तो मैं निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। ये कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वो उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चिंत की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित मालूम होता कि वो मुझे भुला रहे हैं। पहले तो आँख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो ये दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात खड़े बुला रही हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में ये शंका होती थी कि जब उनका देहांत वास हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांत समझकर चिंत को शांत ना कर सकती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो मिल क्यों नहीं सकती? केवल वो ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बात कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत ना थी, मैं वेद्या धर्म खूब जानती थी। मैं तो वो ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुँचा। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस ध्रुत ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में ये जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर ये सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय है?
उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गोरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था, ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गोरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनन्य अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गोरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से ऊपर देखा, उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, आंखों पर विश्वास ना आया। फिर उस पर निगाह डाली, उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वो बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा ना थी। ये मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह ना था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी, यौवन काल का वो कांतिमय साहस सदन छवि नाम को भी ना थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुआसना और कठोरता झलक रही थी, पर था वो मंगरू। गोरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच से मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ही ठीक कहा था, स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी, यही तो है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच को पहचानती हो? गोरा, बहन क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग्य जग गए, मेरी भी सुध लेना। गोरा, भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कईयों को केवल गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गोरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गोरा ने कहा, गोरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गोरा तुम यहाँ कहाँ, मुझे पहचानती हो? गोरा रो रही थी, मुंह से बात ना निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गोरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैंने? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गोरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यही हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गोरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा ना थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था। क्या वो समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? ये तो इतने ओछे स्वभाव के ना थे, शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नरी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती।
मंगरू कुछ लज्जित होकर, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है, यह कहकर वो कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुख्याकृत पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार न बनना चाहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन ये जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया, तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? गौरा, ये मेरी साथी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, ये तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंप कर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों को सघन वृक्षों की कतार थी, जहाँ तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे, अत्यंत सुरम दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर ना थी। वो भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंस कर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, ये मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा, मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों ने अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वो दोनों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहां लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गोरा ने कहा, ये दोनों बड़े शोहदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं, और तुम 2 ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गोरा की ओर इशारा करके, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दिया था और उसकी तामीर करना
जमादार का काम था। शेष मार्ग समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हुए हंसते थे। गोरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंख में शर्म है। एक भदेसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। दूसरी अपनी चोटी गुत्ती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्री बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय करा दिया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा, जुर्माना कर देंगे। नब्बी, ना भैया, गुस्से से भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैर नहीं कि बंगले पर चला। ये वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वो औरत कहाँ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा। मंगरू, हजूर, वो मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, और वो दूसरी कौन है। मंगरू, वो मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वो बोला, हुजूर, वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी बोला, मंगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो, तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो। एजेंट, ओ ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटर से पीटेगा। मंगरू, हुजूर, जितना चाहे पीट लें, मगर मुझसे ये काम करने को ना कहें, जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर, 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ा सड़ जमाने। 10-12 कोड़े मगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था, तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से ध्वनि निकल ही आती थी। टोर अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पंछी की भांति आकाश में मंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतमुद्ध से खड़े मौन रोदन की मूर्ति बने हुए थे। ये पाषाण हृदय लंबट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि ये उसकी पत्नी की संगनी थी। वो समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भांति पर अखंड राज करना चाहता था। इसमें अपूर्ण मात्र की कमी भी उसके लिए असह्य थी। उस अलौकिक भक्त के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गोरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वो
उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वो समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था। ये क्यों मेरे गले का हार बन गई? इसी के कारण तो वो घर में नहीं आ रही हैं। यकायक वो किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वो उठकर द्वार पर आई और ये अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वो कौन रो रहा है जरा देखो तो। लेकिन जब कोई आवाज न मिला तो वो स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो ये उन्हीं की आवाज है? अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वो द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अम्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है, मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वो वहां खड़ी ना रह सकी, पूरी सख्त से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वो फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक ना खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वो फाटक के जंगलों पर पैर रख कर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गोरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अच्छे प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मुख की भांति गोरा की ओर और कई कदम जाकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा? मंगरू के नथले फटने लगे। ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है? अब तक वो जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है? ये असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठो, जो कुछ होना है हो जाए। ये अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूँगा? लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गोरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गोरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे, हिलने की भी शक्ति ना थी। हवा घावों में सर के समान चुभ रही थी, लेकिन ये व्यथा वो सह नहीं सकता था। असहाय ये था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उसकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गोरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चे को गोद कर गाड़ देता, लेकिन बड़ी देर हो गई थी। ना तो गोरा चिल्लाई, ना बंगले से निकलकर भागी। वो उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा क्रदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या उसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं हैं? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वो किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं, क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गोरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गोरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गोरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रख कर कहा, ओ ये हमारे
खुदा की माँ मरियम हैं। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती नहीं है? साहब, वो मर गया। जब हम यहाँ आया तो वो बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था? वो रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए? तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माते ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वो देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वो दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओ, हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो, वो उन्हीं की तस्वीर है, वो दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी हैं। वो तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वो कभी किसी पर ना बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ, मामा हमको कभी नहीं मारता था। वो बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वो बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार करके स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। क्या वो होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की भात मारने देती? वो स्वर्ग में रो रही होंगी। स्वर्ग नर्क तो तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गोरा को ये बातें कहते हुए जरा भी भय ना होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय ना था। जान से हाथ धोने का भी निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वो दृश्य शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था। गोरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वो साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रखता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुलाना देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगाना देती हो? साहब की आंखें डबडबा गई थी, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वन में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मरमर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वो बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वो जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त ना कर सकी। नशे में क्रोध की भात ग्लान का वेग सहज ही में उठ जाता है। दोनों हाथों में मुंह छिपा कर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वो कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आद्र कंठ से बोला, हमारी माता को अब कैसे शांत मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वार हो गया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहां से ना हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता था और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता था। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली।
तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलता देखकर पास आकर खड़ी हो गई और बोली, अब कैसे हैं जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आ गई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो सात समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास ही ना आया हो। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वो चुप्पी साधे रह गया। ये संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहन था। जिस पुरुष को वो देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वो अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था, शायद वो कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्यज्ञ कर दिया था, वो भी उसका प्रत्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके गकार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वो अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपने बकरियों के बच्चों की याद आई। वो सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर स्थान में प्राणों के समान छुपे हुए थे। ये सब मेरे ही कारण तो हुआ, मैं ना रहूंगी तो वो फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वो लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। वो मंगरू का करुड़ कंपित स्वर था। वो चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ? मैं स्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ ना सुना, वो धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वो स्वामी के विपत्ति का अंत ना कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वो अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता ना चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वो चित संग कभी ना मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे।